हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसका प्रॉब्लम सेट 2। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू का है, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसमें पहला है व्हिच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला पूछा गया हमें, नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है वो हमें ढूंढना है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको टिक करना है या लिखना है। तो ऑप्शन में लिखता हूं, पहला ऑप्शन है 5 upon x minus 3 = x2। चलो ये है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इस x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये -3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। तो x की पावर क्या हो गई, मैक्सिमम 3 हो गई। अगर x की पावर मैक्सिमम 3 हो जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। ऑप्शन सेकंड में देखो x into x plus 5 = 2। x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, फिर x² + 5x = 2। इसको इधर लेके आएंगे, x² + 5x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या है, एक ही वेरिएबल है x, और दूसरी कंडीशन क्या है वो है कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो यही क्या रहेगा हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन फिर देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें ढूंढना है। चलो ऑप्शन फर्स्ट लिखता हूं, x² + 4x = 11 + x², बस यही हो गया। फिर तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, ये 11 इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 4x, ये 11 जब इधर आएगा वो माइनस हो जाएगा, उधर कितना बचेगा, 0। x² टर्म कट हो गई, 4x - 11 = 0 आया। अभी इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 वाली टर्म भी होनी चाहिए, इधर 2 वाली टर्म है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे के ऑप्शन देखने का जरूरत है नहीं। आगे देखो, बी ऑप्शन है x² = 4x, इसमें क्या होगा, x² - 4x = 0। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, बस फिर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में सी ऑप्शन देखो, 5x² = 90, इसमें भी एक्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, एक्स की पावर मैक्सिमम 2 है, मिला वो टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पहला ही ऑप्शन मिल गया कि जो पहला इक्वेशन दिया था वो पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड में द रूट्स ऑफ x² + kx + k = 0 आर इक्वल एंड रियल, फाइंड k, हमें k ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या है, तीन कंडीशन हमने पढ़ी है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। हमें बताया है कि जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स है, इसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या है, b² - 4ac क्या होगा, इसके लिए 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे a कौन सा है, 1 है, b क्या है, k है, और c भी क्या है, k है। ठीक है, इसको किसके साथ में कंपेयर करते हैं हम, ax² + bx + c = 0 के साथ में। तो a 1 आ गया, b k आ गया, और c भी क्या आ गया, k आ गया।
इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो दिखा दो, क्योंकि कंडीशन है कि जो इसके रूट्स है वो रियल और इक्वल है। तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो दिखा देंगे तो क्या के स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू के इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या हो जाएगा, के कॉमन निकल जाएगा, के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो के जीरो होगा और के माइनस फोर इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। एक अगर के जीरो रहा तो ये मल्टीप्लीकेशन जीरो मिलेगा, और के माइनस फोर जब अभी जीरो रहा तो ये पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। तो ये दो कंडीशन से, तो फिर क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू जीरो आएगा, या फिर k इज इक्वल टू क्या आएगा देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर। तो k इज इक्वल टू जीरो कॉमा फोर, ये अगर कहीं पे ऑप्शन हो तो वो हमें देखना है। ये ऑप्शन है सी, जो थर्ड है उसका ऑप्शन है सी, ठीक है। चलो अभी लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ है फोर अंडर टू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें ढूंढनी है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे ढूंढते हैं, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर करो किसके साथ में, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। तो ए क्या आ गया रूट टू आ गया, बी क्या आ गया माइनस फाइव, और सी आ गया रूट टू। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या होता है, देखो बी स्क्वेयर मतलब माइनस फाइव का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए क्या है रूट टू, और ए भी क्या है सी भी है रूट टू। चलो माइनस फाइव का स्क्वेयर पच्चीस हो जाएगा, माइनस ये फोर इंटू रूट टू टू हो गया, पच्चीस माइनस एट कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा सेवनटीन, करेक्ट है। तो सेवनटीन देखो, सेवनटीन ऑप्शन ढूंढ गए उसको टिक कर दो। फोर्थ का है ऑप्शन बी, फोर्थ का हो गया फिर ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। चलो अभी लेते हैं फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स थ्री कॉमा फाइव, रूट्स कितने आने चाहिए, क्वेश्चन फाइव है थ्री कॉमा फाइव आना चाहिए। तो क्या करेंगे, नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किसके लिए करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व हम रूट्स निकालने के लिए ही करते हैं। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिसके रूट्स हमें थ्री कॉमा फाइव मिल गया उसको टिक कर देंगे, ठीक है। पहला है ए ऑप्शन, एक्स स्क्वेयर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सम आनी चाहिए माइनस फिफ्टीन, ठीक है, और प्रोडक्ट आना चाहिए एट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। प्रोडक्ट कम है और सम ज्यादा है, साइन बाद में, लेकिन सम ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, ये जो किस्सा है इसके लिए कोई नंबर दो मिलेंगे नहीं हमें सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, बी चेक करते हैं, ठीक है। बी जब चेक करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करना आसान है। देखो क्या है, सम है माइनस एट और प्रोडक्ट है प्लस फिफ्टीन। चलो ऐसे दो नंबर है क्या हमारे पास, थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाओ, ठीक है, दो नंबर है हमारे पास, एक है तीन दूसरा है पांच, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है पॉजिटिव, प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, और सम देखो निगेटिव है। तो जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो समझ जाने का, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे। लेकिन जब हम सम की तरफ देखते हैं तो सम हमें माइनस मिलता है, तो सम माइनस मिलता है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है प्लस, तो ये दोनों कंडीशन अगर ठीक से देखा हमने तो ये भी माइनस थ्री हो जाएगा, ये भी माइनस फाइव हो जाएगा, दोनों की सम करो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है प्लस होता है, तो वो क्या हो जाएगा फिफ्टीन। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे कैसे, माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो,
यहाँ से x कॉमन x माइनस फाइव, यहाँ से 3 कॉमन x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस माइनस बराबर प्लस आ जाएगा और 3 इंटू फाइव 15 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस फाइव और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कैसे, अगर इस ब्रैकेट को जीरो दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 और इस ब्रैकेट को जीरो दिखाएंगे तो x इज इक्वल टू 3, तो रूट्स क्या मिले हमें 5, 3, तो रूट्स क्या मिले हमें 5, 3, तो बी ऑप्शन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाए और बी ऑप्शन सॉल्व करते करते ही हमें रूट्स क्या मिले 3 और 5, तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन क्या आएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स माइनस 5। सम ऑफ रूट्स कितना चाहिए हमें, माइनस 5। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, या फिर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, हमें मालूम होना चाहिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका सम कैसे लिखते हैं। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो उसका सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। वो माइनस बी अपॉन ए हमें कितना चाहिए, माइनस फाइव चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए पहला दिया है 3x² - 15x + 3 = 0। इसका माइनस बी अपॉन ए निकालो, मतलब क्या, माइनस बी अपॉन ए, ए क्या है 3, ठीक है, अभी माइनस साइन आ जाएगी और बी क्या है इधर -15, तो 15/3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, हमें -5 चाहिए, तो ए ऑप्शन से बन नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन x² - 5x + 3 = 0, करेक्ट है। अभी इसका माइनस बी अपॉन ए निकालो, ये माइनस साइन एज इट इज, बी क्या है फिर से -5, ए क्या है 1, ए भी 5 आया, ए भी नहीं चलेगा, ठीक है, हमें -5 चाहिए। सी देखते हैं, सी में तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखो सी ऑप्शन है x² + 3x - 5 = 0, बी अपॉन ए मतलब 3/1 क्या आएगा 3, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन बचता है, लेकिन उसके लिए भी हम निकाल के देखते हैं। चलो निकालते हैं, डी है 3x² + 15x + 3 = 0। चलो इसका बी कितना आया, तो बी आया 15, ए आया 3, माइनस बी अपॉन ए कितना आएगा फिर, माइनस बी है 15/3, डिवाइड कर दो, आ गया आंसर -5, और हमें क्या चाहिए, -5 ही चाहिए। तो कौन सा था है 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अभी लेते हैं 7th। चलो 7th क्वेश्चन है √5m² - √5n + √5 = 0, which of the following statement is true for this given equation। नीचे कुछ statements दिए हैं, उनमें से कौन सा statement क्या है true है वो हमें देखना है। और statement में किसके बारे में बताया गया है कि roots कैसे होंगे, और roots कैसे होंगे वो चारों options में बताया गया है। तो देखो इसके लिए हमें roots कैसे होते हैं, quadratic equation के roots का nature क्या होगा, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है उसके बाद में हम नेचर डिसाइड कर पाते हैं। तो इसको कंपेयर कर लेंगे am² + bm + c के साथ में, ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई √5, b की वैल्यू मिल गई -√5, c मिल गया √5। नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे ढूंढेंगे, b² - 4ac, तो चलो b² मतलब -√5² - 4 * a है √5 * √5, तो ये हो गया 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और √5² क्या हो गया 5, -4 ये √5 * √5 = 5, ठीक है, ये 5 माइनस कितना आ गया फिर 20 और आंसर क्या आया -15। जब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है,
माइनस आता है तो क्या कंडीशन है? तो ऐसा है कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे, रूट्स रियल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल नहीं है वो वाला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या है? सी। देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 आता है तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल होता है। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 आता है मतलब ऐसा तो क्या? नॉट रियल। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ये हो गया 7th क्वेश्चन। अभी लेते हैं 8th वाला। चलो 8th है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो इज क्या बताया है? 2। एम ढूंढना है, एम की वैल्यू निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है? 2। अभी रूट मतलब क्या? अगर एक्स की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं तो एक इक्वेशन क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है? एम की वैल्यू। तो 2 रूट है तो x की जगह पे 2 डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर 4 प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 कितना आ गया? माइनस 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, 2m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस m की वैल्यू कितनी मिल गई? हाफ मिल गई। तो क्वेश्चन 8 में हाफ वाला ऑप्शन ढूंढो, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, हर एक काम ने ऑप्शन देखा है। ठीक है, अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये 3 इक्वेशन है, इसमें एक कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? 2 है। एंड वी कैन कंपेयर इट विथ किसके साथ में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, तो उसके साथ में इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? इसका मैक्सिमम पावर 2 है और इस इक्वेशन को हम आराम से इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी दूसरा चेक करते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द पावर ऑफ x कितना है? एक से मतलब x रेस टू 1 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही नहीं है। और वी कैनॉट कंपेयर इक्वेशन विथ क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है मेन वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से ये वाला चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? पहले a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर ये 2 इंटू 2 प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसको इधर लेके आता हूं मैं, या फिर एक काम करेंगे, इन सारों को उधर लेके जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर एज इट इज, ये सब उधर गए तो ये x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये 4x भी माइनस हो जाएगा, ये 4 भी माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको
इस इक्वेशन को हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं किसके किसके साथ, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आराम से, ठीक है। देयरफॉर दिस एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हमने क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन मालूम होना चाहिए, तो उस दिया हुआ इक्वेशन उसके साथ में कंपेयर कर सकते हो क्या नहीं, या फिर एक जनरल रखना चाहिए कि जो एक्स या कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर कितना होना चाहिए, स्क्वेयर वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। अगर स्क्वेयर वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एमसीक्यू में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ठीक है इसके लिए करते हैं। देखो इसको पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ किसके साथ में, एक्स स्क्वायर या फिर वाई है ना, तो वाई ले लेते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें टू, बी इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन, सी मिल जाएगा टू। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैसे निकालते हैं, ये बी स्क्वायर मतलब हो गया माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, ए क्या है टू और सी भी क्या है, तो देखो माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस फोर टू इंटू टू फोर हो गया, वन माइनस ए क्या हो जाएगा एट, और आंसर क्या आ गया माइनस सेवन। तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट कितना आया माइनस सेवन, ठीक है। कंपेयर करो ए बी सी का वैल्यू निकालो और डिस्क्रिमिनेंट ये होता है, उसकी वैल्यू निकालनी है। चलो दूसरा करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या आ जाए, ए फाइव मिल जाएगा, बी वापस कितना मिल जाएगा माइनस वन, और सी वाली टर्म है नहीं तो सी क्या है जीरो है, ठीक है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू, ए क्या है फाइव और सी क्या है जीरो, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आ गया वन। कैसे करोगे इसको, वन माइनस ए क्या आ जाएगा जीरो, कितना आया आंसर वन आ गया, सिंपल था। अभी इसका कंपेयर विथ किसके साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए क्या हो जाएगा रूट फाइव, बी क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, और सी क्या हो जाएगा माइनस रूट फाइव। चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर मतलब माइनस वन स्क्वायर फोर इंटू, ए है रूट फाइव और सी है माइनस रूट फाइव। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन स्क्वायर का वन माइनस, और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, फोर इंटू ये रूट फाइव इंटू रूट फाइव कितना हो जाएगा फाइव, तो वन प्लस ये हो जाएगा ट्वेंटी, आंसर आ जाएगा ट्वेंटी वन, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर है, ऐसा एक एग्जांपल हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था एमसीक्यू में। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, वन ऑफ द रूट्स, मतलब क्या दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें से एक रूट दे के रखा है माइनस टू। अब ये रूट मतलब क्या, अगर इसकी वैल्यू रूट अगर हमने वेरिएबल की जगह पे पुट किया तो हमें क्या आएगा आंसर जीरो आएगा। रूट मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो हम के कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह पे माइनस टू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और उसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसा हो जाएगा, एज आंसर में लिखेंगे एज माइनस टू इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा ये 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन
इन अबो इक्वेशन। अबो इक्वेशन लिख देंगे, आसान हो जाएगा फिर। देयरफॉर क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स की जगह पे पुट करो माइनस टू और आगे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या आ जाएगा 2। अब ये माइनस टू का स्क्वायर 4 प्लस अभी ये क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू के माइनस टू के और आगे माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या जाएगा 8, ये माइनस टू पहले लिखता हूं बाद में माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ये हो जाएगा 6 माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इस टू के को उधर भेज देता हूं मैं तो 6 इज इक्वल टू 2k, तो k कैसे निकलेगा, ये 2k के साथ में मल्टीप्लाई को है इधर आके डिवाइड को 6/2, तो k की वैल्यू कितनी मिली हमें, k की वैल्यू मिली 3। इस तरह से इसको सेटिस्फाई करना है, जो रूट दिया होता है उसको वेरिएबल वेरिएबल की जगह पे पुट कर दो, इक्वेशन लिख दो और क्या करो इक्वेशन को सॉल्व करते करते k की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें दिए हैं और रूट्स से हमें क्या फ्रेम करना है, मतलब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, अगर रूट्स आपको दिए होंगे और उससे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप रूट्स लिख लो। रूट्स आर कौन कौन है, 10 एंड 10 एंड माइनस 10। सबसे पहले काम करना निकालना सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 मतलब हो जाएगा 10 माइनस 10 मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें चलेंगे, अभी देखना प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करो क्या आ जाएगा 10 है और दूसरा माइनस 10 है, ये कितना आ जाएगा माइनस 100, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू वेरिएबल हम एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस यहां पे होता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, ठीक है, और आगे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आया माइनस 100 प्लस ये माइनस 100 इज इक्वल टू 0 इज इट, देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये 0 एक्स तो कुछ अभी रहेगा नहीं और एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 0, बस यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से हम इसके लिए निकालेंगे और इसके लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी जगह कम है इसलिए रफ कर देता हूं मैं, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी दूसरे का करते हैं, ठीक है, दूसरे के लिए भी सेम प्रोसेस। चलिए क्या है, रूट्स आर 1-3√5 और 1+3√5। सबसे पहला स्टेप सम निकालो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू चलो 1-3√5 प्लस 1+3√5 क्या हो जाएगा, ये -3√5 + 3√5 कैंसिल हो जाएगा 1+1 कितना आया 2 आया, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल चलो प्रोडक्ट करते हैं 1-3√5 और दूसरा है 1+3√5, ठीक से देखो यहां पे एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b होता है a² - b² ठीक है। तो वो फॉर्मूला यूज कर लो, a है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 1 माइनस ये हो गया 45 इज इक्वल टू हो गया -44,
ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 2x प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस 44। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 44 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो देखो क्या आ जाएगा, थर्ड का देखना रूट्स क्या क्या है, रूट्स आर 0 and 7, ठीक है। पहला क्या निकालो, सम ऑफ रूट्स 0 plus 7 इज इक्वल टू 7, करेक्ट है। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 into 7 इज इक्वल टू 0। आसान हो गया ये तो पूरा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, ठीक है, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 7x, प्रोडक्ट है 0 इज इक्वल टू 0। फाइनल कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमें बनाना था। ये ध्यान में रखना है सिर्फ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी करते हैं क्वेश्चन 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या निकालना है, हमें नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है उसके बेसिस पे हम नेचर डिसाइड करते हैं रूट्स का। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो कंपेयर करेंगे किसके साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ में। तो ए मिल जाएगा 3, बी मिल जाएगा माइनस 5, सी मिल जाएगा 7। और रूट्स डिसाइड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, हमने देखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको निकालो, माइनस 5 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए है 3 और सी है 7। तो देखो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4 थ्री 12, 12 इंटू 7, 25 माइनस ए कितना आ जाएगा 84। करो क्या जाएगा, फिर छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो आंसर माइनस आएगा। आंसर माइनस कितना आएगा, 14, 5, 9, माइनस 69, करेक्ट है। तो आंसर माइनस आया एस, तो नीचे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, माइनस मतलब लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। अगर 0 से छोटा आता है डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आता है तो रूट्स होते हैं नॉन रियल। तो यहाँ पे माइनस आया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल, ठीक है। दूसरे के लिए करते हैं, चलो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या आया, रूट 3, बी क्या आया, रूट 2, सी आया माइनस 2√3, ठीक है। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्या होता है वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए क्या है रूट 3 और ए क्या है माइनस 2√3c। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस 4, देखो और क्या आ जाएगा, माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फोर एज इट इज इंटू ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री हो गया और बाकी रूट टू, टू बचा, ठीक है। तो ये हो गया टू प्लस फोर, थ्री दा ट्वेल्व, टू दा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी सिक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल और अनइक्वल। जब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आता है तब इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल और अनइक्वल। अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो आ गया तो रियल और इक्वल हो जाते हैं। चलो इसके लिए ट्राई करते हैं, इसके लिए मैं भी डायरेक्ट करता हूं। चलो ए क्या आ जाएगा वन, बी क्या आ जाएगा माइनस टू, सी क्या आ जाएगा वन, कंपेयर करेंगे तो ठीक है, इसके जैसा ही कर रहे हैं। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कैसे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू बी मतलब माइनस टू का स्क्वेयर माइनस फोर एज इट इज, ए है वन, सी भी है वन, माइनस टू का स्क्वेयर कितना होता है फोर, और ए कितना हो जाएगा फोर इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आया। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तब रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे रहेंगे रियल एंड इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने आपका जो प्रॉब्लम सेट टू है उसके सिक्स क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी और क्वेश्चंस है इसमें वो हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।